आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहद ही पॉजिटिव खबर आ रही है। एक्चुअली पिछले महीने गवर्नमेंट के क्रिप्टो करेंसी बिल ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बड़ा सरदर्द दिया, बड़ी टेंशन दी है। इनफैक्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को तो एक्चुअली शॉक में डाल दिया था कि कहीं उनका जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं, वो जीरो नहीं हो जाए। वैसे भले ही विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी बिल नहीं आया, लेकिन फिर भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का डर, उनकी जो टेंशन है, वो अब तक ख़त्म नहीं हुई है एज इज़ है। कॉज क्रिप्टो बिल में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रिप्टो मार्केट बिल पर कैसा रिएक्ट करेगी, ये उनको क्लियर नहीं है, ये उनको पता नहीं है। भले ही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करे, बट कहीं ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स ना लेकर आ जाए कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाए और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है, जो ऑलरेडी रेड में है, वो कहीं और ज़्यादा नीचे ना चला जाए। सो ये सारी जो टेंशन है, ये सारा जो स्ट्रेस है, इस वक्त हर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के मन में है। लेकिन इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी बिल पर एक पॉजिटिव अपडेट आ रहा है, एक बड़ी खबर जो आ रही है, उससे लगता है कि आपकी ये सारी टेंशन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को जो पिछले एक दो महीने से परेशान से लग रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, दे विल बी एट ईज, दे विल बी एट पीस। सो चलो जानते हैं कि क्रिप्टो बिल पर गवर्नमेंट अब आगे क्या प्लान कर रही है, क्रिप्टो बिल कब आ रहा है और कैसे क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है, वो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्रिप्टो बिल जब डिले हुआ, विंटर सेशन में नहीं आया, तब से यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बिल को बजट सेशन में लेकर आ सकती है। बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि अब से मान के चलिए 10 दिन के बाद, और इसी को लेकर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फिर से थोड़ा स्ट्रेस में आ गए। मतलब अगले दो हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या मार्केट फिर से डाउन तो नहीं हो जाएगी पहले की तरह, फिर से क्रैश तो नहीं हो जाएगी, इसी को लेकर दे आर कंसर्न। बट आपको इतना स्ट्रेस अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, क्रिप्टो बिल को बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं लग रहा है। यानी जैसे विंटर सेशन में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी बिल को स्किप कर दिया था, वैसे ही एज पर रिपोर्ट्स बजट सेशन में भी होने वाला है एंड गवर्नमेंट इसको बजट सेशन में नहीं लेकर आएगी। ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्स को कोट करते हुए कहा है कि क्रिप्टो करेंसी बिल एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसको आने में अभी वक्त लगेगा, सो यू ऑल कैन रिलैक्स अ बिट। बट यहाँ पर एक बड़ी बात है जो आपके समझने की है, और वो ये कि क्रिप्टो बिल को डिले करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर बिल डिले होता है तो इससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ वक्त के लिए आई कैन से कि थोड़ा साय ऑफ रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। सो बड़ी खबर ये नहीं है कि क्रिप्टो बिल डिले हो सकता है, बल्कि बड़ी खबर है क्रिप्टो बिल के और डिले होने की वजह, और वो ये है कि क्रिप्टो बिल पर गवर्नमेंट अभी स्टेक होल्डर से और डिस्कशन करना चाहती है, और जब डिस्कशन की बात होती है तो उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही सामने आते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पर ग्लोबल डिस्कशंस चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट वही बात है जो मैंने क्रिप्टो पर अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि दुनिया भर में क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, कैसे देश एक्शन ले रहे हैं, पहले ये देखा जाए और उसके बाद ही गवर्नमेंट को स्टेप लें इंडिया में, और उसके बाद ही क्रिप्टो बिल लाया जाए। साथ ही क्रिप्टो बिल को और डिले करने के पीछे टैक्सेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इस वक्त कंट्री को मैं अगर देखें तो क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स को लेकर कोई लॉ नहीं है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि बिल को फाइनलाइज करने से पहले एक टैक्सेशन फ्रेमवर्क पर काम किया जाए, वो क्रिप्टो, और उसके बाद ही बिल को फाइनलाइज किया जाए। गवर्नमेंट टैक्स एक्सपर्ट से क्रिप्टो टैक्स पर कई बार इनपुट ले चुकी है और अभी भी इस पर काम चल रहा है। एज पर रिपोर्ट्स, बजट सेशन में क्रिप्टो टैक्स को लेकर कुछ अनाउंसमेंट इस बार गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट अभी आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो पर टेक्निकल इनपुट्स का भी वेट कर रही है। कि आरबीआई क्रिप्टो को लेकर गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ कह चुका है, ये कह चुका है क्रिप्टो पर बैन लगा देना चाहिए, बट गवर्नमेंट कोई बीच का रास्ता तलाशना चाहती है जिसमें क्रिप्टो पर ब्लैंकेट बैन ना लगे, बट कि इसको रेगुलेट किया जा सके, कोई रूल्स फॉर्मुलेट किया जा सके। सो अभी आरबीआई के इनपुट्स का गवर्नमेंट इंतजार कर रही है, स्पेशली आरबीआई की डिजिटल करेंसी का, जिसको इसी साल लॉन्च किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल पर सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस से डिस्कशन कर रही है, सभी स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से हायर लेवल डिस्कशन इस वक्त चल रहे हैं, और इन डिस्कशन में यही बात सामने आ रही है, निकल के, कि बिल में जो भी कुछ हो वो क्रिप्टो पर ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ सिंक करे, जो भी इवॉल्व भी हो रहा है, और इस पर एकदम से कोई डिसीजन लेने से बेहतर है कि थोड़ा इंतज़ार किया जाए। यानी कि जो क्रिप्टो पर बैन करने की बात चल रही थी, जो खबरें चल रही थी, सामने आ रही थी काफ़ी वक्त से, अब ऐसा लग रहा है कि शायद वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ग्लोबली मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज रेगुलेशंस की तरफ ही देख रही है, ना कि बैन की तरफ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो पर कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लेकर आ सकती है जिनमें क्रिप्टो अर्निंग पर टैक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी बात हो, और बजट सेशन में इस पर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है।
इंटरनेशनली क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी इवॉल्व भी कर रही है, अभी इट्स वेरी न्यू। सो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जल्दबाजी में वो कोई डिसीजन ले ले, जल्दबाजी में वो कोई नया बिल लेकर आ जाए जो ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ सिंक ना करे, तो इसीलिए इस पर और कंसल्टेशन की जरूरत है और उसके बाद ही ये बिल लाया जाएगा। सो दिस इज अ हाईली पॉजिटिव अपडेट फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जो क्रिप्टो बिल को लेकर नेगेटिविटी उनके मन में थी, जो सवाल थे वो शायद अब नहीं रहेंगे एंड नाउ दे कैन ट्रेड फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रेस। वैसे आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस, क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल और अनरेगुलेटेड असेट्स हैं, इनमें बड़ी फ्लक्चुएशंस रहती है आप जानते हैं, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। क्रिप्टो बिल या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पर आगे भी आपके लिए मैं अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कीप वॉचिंग क्रिप्टो न्यूज़ विद।